दोस्तों एकदम परफेक्ट हलवाई जैसा दही जमकर तैयार हो गया है। आप देख सकते हैं एकदम से गाढ़ा और थिक दही जमा है हमारा। तो देखिए दोस्तों, मैं आपके तोड़ के दिखाती हूँ हमारा दही कैसा जमा है। देखिए एकदम आइसक्रीम जैसी बन गई है। तो दोस्तों मैंने कहा जैसा ही दही जमा है ना हमारा, तो देखिए दोस्तों आप अपने घर में किसी को भी खिलाएंगे वो एकदम से खुश हो जाएंगे और तारीफ किए बिना रह नहीं पाएंगे। तो देखिए दोस्तों मैं आपको कटोरी में नहीं बल्कि पलवेटे में रख के दिखा रही हूँ, ये दही बिल्कुल भी नहीं फैल रहा है। ऐसा ही गाढ़ा दही खाने के लिए हर किसी का मन करता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मिमी के मैजिक में। दोस्तों जिंदगी को सरल बना लो मिमी के मैजिक के साथ। दोस्तों हमें एकदम से गाढ़ा दही जमाने के लिए हमें चाहिए सबसे पहले 1 से 1.5 लीटर दूध। दोस्तों मैंने यहाँ पर 1.5 लीटर दूध ले लिया है। अब हम इसी से ही जमाएंगे एकदम से गाढ़ा परफेक्ट दही हलवाई जैसा। तो दोस्तों इसको हम सबसे पहले गर्म करेंगे किसी भी पतीले में डालकर। देखिए दोस्तों मैंने इस दूध को पतीले में गर्म करने के लिए रख दिया है। अब हम इसको पकाएंगे उबाल आने तक। बीच बीच में बार बार में चलाना है थोड़ी। दोस्तों इस दूध को हम चमचे की सहायता से चलाएंगे जिससे ये दूध एकदम से परफेक्ट गर्म हो जाए। देखिए दोस्तों हमारे दूध में उबाल आ चुका है, बस हमें इतना ही गर्म करना है, इससे ज़्यादा नहीं करना है। अब हम गैस को बंद कर देंगे और इस दूध को थोड़ा ठंडा करने के लिए रख देंगे। देखिए दोस्तों हमारा दूध ठंडा हो चुका है, ज़्यादा गर्म नहीं है, ज़्यादा ठंडा नहीं है, हमें ऐसा ही दूध चाहिए जमाने के लिए। देखिए दोस्तों हमारी उंगली दूध की गर्माई को सहन कर रही है, ये दूध दही जमाने के लिए परफेक्ट है। दोस्तों मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगी, अगर चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। अब हमें इस दूध को जमाने के लिए चाहिए जावुन। जो दही 1 दिन या 2 दिन पुराना होता है उसे हम जावुन कहते हैं। इसी से ही हम आज नया दही जमाएंगे। दोस्तों अब हम इस दूध को किसी दूसरे बर्तन में ट्रांसफर कर लेते हैं। अगर आपके पास में मिट्टी का हो तो बहुत बढ़िया, अगर मिट्टी का नहीं है तो सिल्वर के में भी जमा सकते हैं, सिल्वर का नहीं है तो स्टील के में भी जमा सकते हैं। तो दोस्तों हम परफेक्ट दही जमाने के लिए सबसे पहले इस जामुन में थोड़ा सा दूध निकालेंगे और इसको चम्मच की सहायता से मिक्स कर लेंगे अच्छे से। अब इसको इस दूध में डाल देंगे। दोस्तों हमें इस दूध को ऐसे ही नहीं रखना है, मैं आपको बता रही हूँ एक खास ट्रिक जिसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है जिससे आपका दही एकदम परफेक्ट जमेगा। दोस्तों इस टाइप का हम कोई भी बीटर ले लेंगे जिससे दूध और जामुन को मिक्स करेंगे। दोस्तों अब इस दूध में जामुन अच्छी तरीके से मिक्स हो चुका है, अब हम इसे जमाने के लिए रख देंगे कम से कम 4 घंटे के लिए। दोस्तों हमें इस दूध को ऐसे ही खुला नहीं रखना है, ढक देंगे किसी भी प्लेट से और मिलते हैं 4 घंटे बाद। 4 घंटे पूरे हो चुके हैं, देख लेते हैं हमारा दही कैसा जमा है। दोस्तों एकदम परफेक्ट हलवाई जैसा दही जमकर तैयार हो गया है। आप देख सकते हैं एकदम से गाढ़ा और थिक दही जमा है हमारा। तो देखिए दोस्तों मैं आपके तोड़ के दिखाती हूँ हमारा दही कैसा जमा है। देखिए एकदम आइसक्रीम जैसी बन गई है। तो दोस्तों मैंने कहा जैसा ही दही जमा है ना हमारा। तो देखिए दोस्तों आप अपने घर में किसी को भी खिलाएंगे वो एकदम से खुश हो जाएंगे और तारीफ किए बिना रह नहीं पाएंगे। तो देखिए दोस्तों मैं आपको कटोरी में नहीं बल्कि पलवेटे में रख के दिखा रही हूँ, ये दही बिल्कुल भी नहीं फैल रहा है। ऐसा ही गाढ़ा दही खाने के लिए हर किसी का मन करता है। दोस्तों इस दही को खाइए और एंजॉय कीजिए। दोस्तों मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।